The last one, हमें इसमें क्या करना है? I'll demonstrate you. आपको अपनी जगह पे खड़े होके जंप करना है हाइट पे, और जब आप जंप करें तो आपको अपने दोनों टोज को टच करना है एक दूसरे से while jumping. अगर आप अपनी टोज को जंप कर ले टच कर लेते हैं while jumping, that means you have a good fitness. इस लास्ट क्वेश्चन में there is no marginal, there is only good and low fitness. अगर आप टोज को टच कर लेते हैं जंप करते हुए, that means good. अगर आप टोज को जंप नहीं कर पाते तो that means bad. I'll show you कैसे while jumping standing. While jumping, आपके दोनों toes जो है पैर को एक बार touch करके वापस करना है. आपको पीछे नहीं मारना, आपको ये जो है ये और ये आपस में जम करके टच एक बार करना है. पीछे यहाँ नहीं मारना, उनको आपस में एक दूसरे को सिर्फ टच करके वापस ले आना. ऊपर जंप करते हो बीच में हवा में एयर के अंदर दोनों को टच करके वापस लेके आना है. यस परफेक्ट परफेक्ट. प्लीज ट्राई according to Indian conditions by Apollo Hospital to see. A great intensive research was done, and then after doing that research, this table was prepared. Agility के लिए I'll explain how agility has to be done. इसके अंदर आपको एक paper की ball बनानी है, या आप कुछ भी ball को रख लीजिए at a distance of your height. अपने height के बराबर distance पे आगे उस ball को, let's say my height is 5'6". I'll keep that approximately at distance of 5 feet away, this pen, a ball, anything. I have to run and pick that ball or pen within 10 seconds back to my place. If I am able to run, pick up and come back to my place within 10 seconds, that means that I have a good agility. अगर मैं उठा के 10 सेकंड के अंदर वापस उस पेन में बॉल को ले आता हूँ, दैट मीन्स मेरी एजिलिटी इज गुड. अदरवाइज अगर मैं उसको 10 सेकंड में नहीं ला पाता तो देयर आई एम हैविंग अ पुअर एजिलिटी. इस क्वेश्चन के अंदर भी देयर इज नो मार्जिनल, देयर इज गुड और बैड. डिस्टेंस आपकी हाइट के जितना होना चाहिए, जितनी आपकी हाइट है अप्रॉक्सीमेट, अगर आपकी 5 फीट 5 या 6 फीट वॉट एवर, keep approximately that object away from you at that height distance के बराबर. फ्लोर के ऊपर रखिए उस चीज को
और आपको उस चीज को वापस उठा के 10 सेकंड्स के अंदर वापस लेके आना है, जाना और आना, पिक करना और वापस लेके आना है. If you are able to do that, achieve that in 10 seconds, that means you have a good agility. Otherwise, you have a very poor agility. This agility actually is the biggest component to safeguard आप अपने heart attack को बचाने के लिए आपकी agility हमेशा good होनी चाहिए. कोई anybody wants to try over here? Yes, sir. What's your height? 5'6". Stand over here. This will be approximate to his height, this much of distance. I'll count and say start, and within 10 seconds you have to pick up this pen. Not just कि एक पैर को आगे रखिएगा और उठाएगा, आपने ऐसे नहीं करना कि what usually people do is कि अपना ऐसे उठा के वापस आना. That is not, that should not be there. आपको भाग के उठा के दोनों पैरों को वहां ला के वापस आना है. ओके, मॉर्निंग, स्टिल मॉर्निंग. I'll say start, then you have to pick and वापस आना अपनी जगह पे. Start. And आप दोनों पैरों को वहां तक लेके जाना है, दोनों पैर वहां तक आने चाहिए. स्टार्ट भी के एक पैर आपने रख लिया ऐसे उठा लिया और दिस इज चीटिंग. फॉर दैट आई एल अदरवाइज आई शुड रिड्यूस द टाइम 5 सेकेंड. स्टार्ट. Almost 8 seconds. You have a good agility. So this should be done of almost or equivalent to his height. यहाँ तो थोड़ा सा ने distance less थोड़ा कम लिया था. Otherwise, definitely distance was less. If you measure, आपका ये distance कम होगा. Otherwise, equivalent to your height, and you should be able to run and come back to the same point where you started. Within 10 seconds. अगर आप 10 seconds के अंदर वापस आ जाते हैं तो आपकी body की agility अच्छी है. अगर नहीं आ पाते तो आपकी बॉडी की एजिलिटी बहुत पुअर है. यस, नो नी मॉर्निंग. सो व्हाट इज द स्कोर? अभी हमने यहाँ पे 9, आई थिंक 9 हमने करे हैं. आउट ऑफ 9 किस कितना आया है स्कोर? Who's having good fitness components? 7 या 6, 7, 8, how much? 9 गुड. सब गुड. ट्रूली बिल्कुल. अरे बिल्कुल सर. दैट्स वेरी गुड. दैट्स रियली वेरी गुड. दिस 10 दिस फिटनेस कंपोनेंट आपको बता दूं कि इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एज. एनी नॉर्मल पर्सन, एनी नॉर्मल ह्यूमन बींग शुड बी एबल टू डू दिस 11 कॉम्पोनेंट. इफ ही थिंक्स दैट वी वॉन्ट रियली वॉन्ट टू स्टे फिट एंड अवे फ्रॉम एनी हार्ट अटैक, डायबिटीज, ज्वाइंट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, मोटापे की किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहना है, ही शुड बी एबल टू डू दिस 11 कॉम्पोनेंट फॉर हिज होल लाइफ. आप किसी भी टाइम अपनी this now in Apollo we are doing this taking as a yearly mandatory plan for all people के साल में एक बार वो अपना चेक जरूर करें इन 11 components को करके कि they are able to achieve this day. If they are in a category of good fitness, they will remain away from diabetes, heart attacks for their whole life. But marginal पे है तो they have to really take care. और अगर पहली वाली में है तो ऊपर ऊपर भगवान के भरोसे पे है. बिल्कुल एक्यूरेटली करा था. आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर है समथिंग. आई एम अ स्पोर्ट मैन. व्हाट काइंड ऑफ? आई एम अ प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर. या एंड जूडो कराटे प्लेयर. व्हाट कैटेगरी ऑफ जूडो? आई एम अ ग्रीन बेल्ट. या फ्रॉम दिल्ली. सो वी मीट यू इन दिल्ली डेफिनेटली. आई विल बी.
Thank you. Thanks a lot and good clap for him. Clapping for me. So I'll advise everybody कि आज एटलीस्ट घर जाके जो जो आपने नहीं करा इसमें से try it and see how much is your fitness level. आगे चले यस प्लीज सर इफ साइडियो हॉस्पिटल फिट यू कैन काउंट द पल्स ऑल्सो अगर आप अपनी पल्स काउंट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट बिकॉज पल्स तो इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ योर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस आज जब मैं अपना सेशन ऑन डिजीज एंड हेल्थ मैनेजमेंट पर लूंगा तो आई एक्सप्लेन आई टेल तब मैं बताऊंगा आपको हाँ पल्स यहाँ पल्स वो मैं अपने सेशन में अगले सेशन में आपको बताऊंगा इनफ टॉकिंग अबाउट फिटनेस फिटनेस के बाद जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है लाइफस्टाइल व्हाट इज लाइफस्टाइल हम सारा दिन बात करते हैं लाइफस्टाइल 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 की डेफिनेशन अभी इसको मत देखिएगा बताइए लाइफस्टाइल क्या होता है प्लीज कुछ जो आता है दिमाग में एनी आइडिया द वे वी लीड आवर लाइफ यस बैलेंस फूड यस और एनीथिंग एल्स हैप्पी लाइफ साउंड स्लीप एनीथिंग एल्स डे टू डे Yes. What else? Definition of lifestyle is the way of life or style of living that reflects the values and attitudes of a person or group. This is the definition of lifestyle. The way how you live your life and how you express yourself to others, how others react to your expressions, that's lifestyle. That's the definition of lifestyle. Now, we'll be doing a small lifestyle profile. Fitness to bhi check kar li, aur lifestyle bhi check kar lete hai ki how good is your lifestyle. Ek chota sa questionnaire hai, स्मॉल क्वेश्चन है कुछ हार सम 20 समथिंग क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन आपने उसके आगे क्वेश्चन के आगे यस और यस चॉइस है यस आपके जितने यस होंगे क्वेश्चन के आगे पुट अ राउंड सर्कल इन फ्रंट ऑफ दैट यस एंड काउंट द नंबर ऑफ यस दिस लाइफस्टाइल क्वेश्चनियर will assess your lifestyle. Ye question, these questions were prepared by also again by Harvard Medical School USA or again they were tailored according to Indian conditions ke accordingly inko change kiya gaya tha and these questions assess that aapka lifestyle kitna theek hai aapki lifestyle ke andar kya kya kharabiyan hai wo hum abhi hum disease ko pakad rahe hain uske baad hum after next session mein ilaaj karenge Please take one and pass. Once again. I'll read out. Lifestyle is a way of life, a style of living. That reflects the values and attitude of a person or group. Lifestyle is a way of life. Two things.
Lifestyle is a way of life, a style of living. Okay. Lifestyle is a way of life. A style of living. That reflects the values. Values and attitudes of a person or group. Of a person or group. Or. Please take one pass. There must be two pages. First is the question and second is the answer sheet. There are 28 questions in this questionnaire. हर क्वेश्चन के आगे यस लिखा हुआ है. आप इस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को पढ़िए और उसके आगे अगर आपको फील लगता है कि यस अगर आप वो चीज कर रहे हैं तो put a round circle on that yes और एंड में टोटल कीजिए उतने यस को, कितने यस हुए हैं, आपने कितने क्वेश्चन के आगे यस करा है. That answer sheet shows that out of 28, 24 yes अगर जिसके हैं, that means he is having a good lifestyle. हिंदी में जरा बताएंगे क्वेश्चन. मैं आपको हिंदी में हर एक क्वेश्चन का ट्रांसलेट करता हूँ. तब तक मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप एक आंसर शीट पे यस लिख लीजिए या नो लिख लीजिए. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैं 30 मिनट्स की एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें आता है पैदल चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा सा तेज चलना या जॉगिंग, किसी भी इनमें से किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी या सीढ़ियों पर चढ़ना, लिफ्ट नहीं यूज करना, इनमें से कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी 30 मिनट्स मैं हमेशा ऑलमोस्ट रोज करता हूं. अगर रोज नहीं तो हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट करते हैं 30 मिनट्स एवरी डे. अगर आप इनमें करते हैं ये दिस एक्टिविटी, नहीं सीढ़ी, आप लिफ्ट का उपयोग नहीं करते, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, या डेली शाम को या सुबह वॉक पे 30 मिनट्स के लिए जाते हैं, या जॉगिंग करते हैं 30 मिनट्स की, या ब्रिस्क वॉकिंग थोड़ा तेज चलते हैं 30 मिनट्स शाम को या सुबह, तो आप यस लगाइए. अगर आप नहीं करते तो नो कीजिए. You do it every day. 30 minutes. एक बार जाना आना है शॉर्ट ना, 30 मिनट्स मतलब कम, 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट दिन में 8-10 बार. That is okay. That is yes. Excuse me. Anybody has got two of that second one? Already we have distributed 225 it seems. Anybody has two? Please pass on to them. सेकेंड शीट अगर किसी को दो मिली है तो दे दीजिए, फर्स्ट वाली ले लीजिए. हर एक किसी के पास दो शीट होनी चाहिए, पहले के ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए, सेकेंड पे उनका आंसर लिखे हुए हैं. सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 20 मिनट्स की किसी भी तरह की हाई फिजिकल एक्टिविटी में जो आज हम थोड़ा सा भागे हैं, दैट इज हाई फिजिकल एक्टिविटी. 20 मिनट्स की हाई फिजिकल एक्टिविटी हफ्ते में मैं 3 दिन करता हूं, जिसमें तेज भागना या बहुत तेज जॉगिंग करना
कुछ इस तरह की एक्टिविटी अगर मैं हफ्ते में तीन बार करता हूं, 20 मिनट्स दिन हफ्ते में तीन बार, 20 20 20, अगर इस तरह की किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हमें हफ्ते में तीन बार हो रहा हो तो अपने कुछ के आगे यस लगाइए वरना नो कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज, जो हमने आज करी टोल टच को झुक के अपनी टोज को जो हमने टच करा, अगर हम इस तरह की एक्सरसाइज हफ्ते में तीन बार करते हैं, अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज एक बार टच करना नहीं जब आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट चार पांच बार करें उस रेपिटेशन को। अगर इस तरह की कोई भी किसी तरह की एक्सरसाइज बैक के लिए करते हैं तो यस लगाइए हफ्ते में तीन बार वरना नो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड कहता है कि आई डू एक्सरसाइज मसल फिटनेस के लिए, जो हमने लेटा के उनको डेमोस्ट्रेट किया गया था कि एक टांग को मैं ऊपर उठाता हूं, जो उठाया था जो 90 डिग्रीज तक तो टांग को मैंने पूरा स्ट्रेच किया था, लेट कर एक साइड पर टांग को पूरा उठाया था, दैट इज मसल फिटनेस। अगर इस तरह की किसी भी तरह की एक्सरसाइज हफ्ते में दो बार करते हैं तो यस लगाइए, अगर इस तरह की कुछ भी मस्कुलर एक्सरसाइज नहीं करते तो नो लगाइए, अगर करते हैं तो यस लगाइए। डॉक्टर फर्स्ट वन लाइफ स्टाइल क्वेश्चन, किसी के पास डबल होंगे जस्ट चेक प्लीज, देयर आर 20 एक्स्ट्रा कमिंग इन। Please check once again. Yeah, please. Let's now move on to